हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ और ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बनाया है मैंने 1 ईयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। देखिए, अब आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी है। नेक की लेंथ रखी है मैंने 11 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है 37 सेंटीमीटर। ये इसका मेज़रमेंट हो गया है। और देखिए, ये बुना है मैंने 3.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक से, 6 नंबर से। देखिए, पोंचो को अब मैं बुनती हूँ। सबसे पहले मैं नोट बांधूंगी। देखिए, इस तरह से ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 72 चेन डालूंगी, 72 चेन। तो इस तरह से चेन को डालना है। पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरी चेन डाल दी है। देखिए, इस तरह से बनकर आ गई है ये चेन। अब देखिए, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर जोड़ना है चेन को। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है चेन को। देखिए, इस तरह से ये जुड़ गई है चेन। अब इस चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 2 चेन, और नेक्स्ट चेन में डालना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से आएंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से मैंने पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरह से आ गए हैं हाफ डबल क्रोशिया। देखिए, हाफ डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है, और इसमें 72 हाफ डबल क्रोशिया है। अब देखिए, मैं इसमें मार्क लगाती हूँ। 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूँगी। 36 इधर रखने हैं, 36 इधर रखने हैं। तो देखिए, काउंट करके मैं मार्क लगाती हूँ। मार्क लगाना है। देखिए, एक मार्क मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये मार्क मैंने लगा दिया है। अब मैं 36 में यहाँ से काउंट करूँगी। देखिए, इस तरह से ये मैंने मार्क लगा दिए हैं। देखिए, गले में मार्क मैंने ये लगा दिए हैं। देखिए, अगर
बेबी के गले में ये छोटा आता है तो आप इसमें चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, चेन इसमें आप बढ़ा सकते हैं, छोटा आए तभी बढ़ाना वरना ऐसे ही रहने देना। अब देखिए इसमें मैं डिज़ाइन डालती हूँ, डिज़ाइन को डालना है, डिज़ाइन में ब्लू कलर से डालूँगी, ब्लू कलर से डालूँगी मैं इसमें डिज़ाइन। तो इस तरह से मैं डिज़ाइन को डालती हूँ। अब वन टू और एक ये थ्री, थ्री चेन और इसमें ही डबल क्रोशिया को डालना है। ये हो गए टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन और फिर इसी ही चेन में डालना है डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया डालना है। ये हो गए हैं फोर डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पर मैंने ये फोर डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इसमें मैं देखिए डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में वी स्टिच डालना है इस तरह से, वन टू, टू चेन और इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया डालना है। ये मैंने वी स्टिच डाल दिया है, देखिए वी स्टिच ये डल गया है। और फिर वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में वी स्टिच डालना है, टू चेन को स्किप करने के बाद डालना है, टू चेन और डबल क्रोशिया, वन टू, टू चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में वी स्टिच डालना है। बी स्टिच डालना है, देखिए इसी तरह से बी स्टिच डालते हुए बुनना है। फिर यहाँ पर मैं बताऊँगी किस तरह से डालना है। इस तरह से ये बी स्टिच आ रहे हैं, वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में डालने हैं फोर डबल क्रोशिया। ये हो गए टू डबल क्रोशिया, वन और एक ये टू, टू चेन और टू डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये फोर डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, यहाँ पर भी मैंने ये फोर डबल क्रोशिया डाले हैं और यहाँ पर भी, एक ये फ्रंट में आएंगे और एक ये बैक में आएंगे फोर डबल क्रोशिया। वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में भी स्टिच डालना है, वन टू, टू चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी, वन टू, टू चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है, वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे गले में बी स्टिच डाल दिए हैं।
स्टिच मैंने ये डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे गले में बी स्टिच डाल दिए हैं। 11 बी स्टिच इधर हैं और 11 बी स्टिच इधर हैं, और बीच में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन। यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा, एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में। अब देखिए मैं आगे को बुनती हूँ पोंचों को। यहाँ तो मैंने 4 डबल क्रोशिया डाले हैं, अब डालूँगी मैं 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ भी स्टिच के अंदर डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट भी स्टिच में भी डालना है 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी मैं 3 डबल क्रोशिया डालूंगी। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन, देखिए बी स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, और यहाँ पर डालने हैं 6 डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ तक बुनती हूँ, फिर मैं यहाँ बताऊँगी। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। पहले मैंने यहाँ पर नीचे 4 डबल क्रोशिया डाले थे बी स्टिच वाली रो में, 3 डबल क्रोशिया डालते हुए मैं रो को कंप्लीट करूँगी। 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी डालूँगी मैं 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया डालते हुए मैंने ये रो को कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए बैक और फ्रंट से इस तरह से आया है। अब देखिए आगे को बुनती हूँ मैं, आगे को बुनना है, 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच डालूंगी, यहाँ पर बी स्टिच को डालना है, 1 2 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर बी स्टिच डाल दिया है। अब देखिए 1 2 चेन को स्किप करना है और यहाँ पर डालना है 3rd चेन में बी स्टिच डालना है।
देखिए 20 स्टिच डाल दिया है मैंने। 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में 20 स्टिच डालना है। इस तरह से 20 स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 20 स्टिच ही डाले हैं मैंने, ये 2 चेन डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने 20 स्टिच को डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं 20 स्टिच को इंक्रीज कर रही हूँ, यहाँ पर तो यहाँ पर भी मैं 20 स्टिच डालूँगी। इंक्रीज कर दिया है, यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा। इंक्रीज कर दिया है मैंने ये 20 स्टिच और यहाँ पे डालना है 4 डबल क्रोशिया। 1 2 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। देखिए फर्स्ट रो में भी मैंने ये डिज़ाइन की 4 डबल क्रोशिया डाले थे 20 स्टिच वाली रो में। 20 स्टिच वाली रो में मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाले हैं और यहाँ पर भी मैंने ये 20 स्टिच वाली रो में 4 डबल क्रोशिया डाले हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये इंक्रीज कर दिया है, 20 स्टिच को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर भी मैं 20 स्टिच डालूँगी, इंक्रीज करूँगी 20 स्टिच को। ये मैंने इंक्रीज कर दिया है, 20 स्टिच को बढ़ा दिया है। देखिए इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी मैंने ये इंक्रीज कर दिया है। और फिर मैं ये बुनते हुए यहाँ पर भी मैं इंक्रीज करूँगी, यहाँ पर भी इंक्रीज करना है 20 स्टिच को। ये तो मैंने कर दिया है। इसी तरह से ये पोंचो आगे को बढ़ता जाएगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा इंक्रीज करते हुए। देखिए यहाँ पर 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में भी स्टिच डालना है। इसी तरह से भी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, भी स्टिच डालना है। देखिए इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर भी मैं 20 स्टिच डालूँगी, इंक्रीज कर दिया है मैंने यहाँ पर भी 20 स्टिच को। देखिए अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से ये 20 स्टिच मैंने डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है, 20 स्टिच डाले हैं। अब आगे की रो बनानी है, धागे को मैं साथ लेकर चलूँगी इस तरह से। 1 2 3 3 चेन, अब डालूँगी मैं 6 डबल क्रोशिया। टू चेन 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए। अब डालूँगी देखिए यहाँ पर 20 स्टिच में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3, फिर 20 स्टिच में डालना है 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 3 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आगे को बढ़ाना है पोंचो को 3 3 डबल क्रोशिया डालते हुए। थ्री डबल क्रोशिया, देखिए 3 3 डबल क्रोशिया डालते हुए मैंने रो को कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। किस तरह से ये रो बनकर आ गई है, अब देखिए इसमें मैं क्रीम कलर लगाती हूँ, कलर चेंज करना है।
वन टू थ्री, थ्री चेन और डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया हो गए हैं, थ्री की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है, ये हो गए हैं टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया। टोटल हो गई है फोर डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसमें बी स्टिच डालूँगी। देखिए यहाँ पर डालना है बी स्टिच। देखिए यहाँ पर मैंने बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। यहाँ पर भी मैंने बी स्टिच को इंक्रीज किया, यहाँ पर भी, और अब मैं यहाँ पर भी इंक्रीज कर रही हूँ बी स्टिच को। वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में यहाँ पर बी स्टिच डालना है। इसी तरह से बी स्टिच डालते हुए और डिज़ाइन को डालते हुए पोंचो को आगे को बढ़ाना है। इसी तरह से ये पोंचो आगे को बढ़ेगा। इस तरह से ये पोंचो बनकर अब आ गया है इसका डिज़ाइन। अब नीचे से इसका बॉर्डर बनाना है और गले का बॉर्डर बनाना है, फिर ये पोंचो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बना देती हूँ। नीचे से बॉर्डर में क्रीम कलर से बनाऊंगी, तो इस तरह से मैं बॉर्डर बनाती हूँ। देखिए बॉर्डर बनाना है अब, वन टू थ्री और एक ये फोर, फोर चेन और इसी में ही सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं इसका ये बॉर्डर बना रही हूँ, वन टू थ्री और एक ये फोर, फोर चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, फोर चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी फोर चेन सिंगल क्रोशिया डालते हुए। फोर चेन सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, वन टू थ्री फोर, फोर चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, फोर चेन इसी में डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से, वन टू थ्री फोर, फोर चेन यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया, थ्री और एक ये फोर, फोर चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आएगा ये बॉर्डर। सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री और एक ये फोर, फोर चेन और यहाँ पर डाल देना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है, वन टू थ्री, थ्री चेन और यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया, ये हो गए टू डबल क्रोशिया, थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, यहाँ पे डालूंगी मैं सिंगल क्रोशिया, अब फिर डालूंगी यहाँ पे मैं सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, फाइव और एक ये सिक्स, सिक्स डबल क्रोशिया और यहाँ पर डालना सिंगल क्रोशिया,
सिक्स डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पे डालना है सिक्स डबल क्रोशिया। सिक्स यहाँ पर डालूंगी मैं सिंगल क्रोशिया। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। फाइव और एक ये सिक्स, सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरह से। इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आ गया है। देखिए अब नीचे से मैं इसकी एक और रो बनाती हूँ, फिर ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये कलर लगाना है ब्लू लास्ट में। वन और एक ये टू, टू चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है। टू सिंगल क्रोशिया डालना है। वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाना है बॉर्डर को, सिंगल क्रोशिया डालना है। फिर यहाँ पर वन सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर टू सिंगल क्रोशिया, टू टू सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से टू टू सिंगल क्रोशिया डालना है। अब यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया नीचे से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया मैंने डाल दिया है। अब फिर टू टू सिंगल क्रोशिया डालना है। वन और एक ये टू सिंगल क्रोशिया डाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से, और यहाँ भी मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से। टू सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है और ये नीचे का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया है। नीचे का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर अब कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से बनकर आया है ये बॉर्डर। अब देखिए मैं यहाँ से इसका गले से कॉलर बना देती हूँ। कॉलर वाला मैं पोंचो बना रही हूँ। देखिए अब मैं कॉलर बनाती हूँ। कॉलर बनाना है। वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया। पूरे गले में सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से आएंगे ये सिंगल डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से मैंने पूरी रो में सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरह से ये गला बनकर आ गया है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब इसकी मैं आगे की रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। फ्रंट से बुनना है डबल क्रोशिया को और बैक से। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया पूरी रो में डालना है। बैक से बुनना है डबल क्रोशिया को और फ्रंट से। इस तरह से आएगा ये गले का बॉर्डर। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही डाले हैं मैंने। देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब आगे की रो बनाती हूँ। 3 चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही डालने हैं। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी और आगे को गले का बॉर्डर बढ़ाऊंगी। देखिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए अब मैंने इस गले को कंप्लीट कर दिया है। गले को मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से अब ये नेक कंप्लीट हो गया है, हाई नेक, और ये पोंचो भी अब कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आएगा। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।